और टूटी इंदी पहले ही हैगी लगी हुई नाल है देखो ना प्लास्टिक की बड़ी जबरदस्त। और माशाल्लाह जी आज आया पे भाई साहब साग साडे गवां। और पता नहीं मैनू क्यों इंज लग रहा बार बार जिवें ना दिमाग दे विच दिल दे विच ना पछतावा हो रहा वे कि जिवें पछता रहे होवां कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी की हाल ने सारे पिंड भाइयां दे। अज कम दा आखिरी दिन ने मिस्त्री भाई आया होया और उन्होंने मैं कह दिता है कि कम ना क्लोज करना अज ताकि खिलारा वगैरह ना हो। बाकी काफ़ी सारे पिंड भाइयों के कमेंट्स के बाद भी काम शुरू रखो इंशाल्लाह जी वक्त अच्छा आएगा ना तो सारा घर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे तो अच्छा मुकम्मल करावांगे। बाकी पैसों की कोई कमी नहीं आ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने करोड़ों ते लखां वारी ठीक आ। और डबल स्टोरी की तुसीं कहिंदे हो ट्रिपल स्टोरी भी बना सकते हैं और किसी मैं इस करके कह रहे काफ़ी सारे पिंड भाई ये सोचते पवनगे ने ये जान बुझ के काम बंद करके कोई मंगण पीनण का इरादा साडा मंगण पीनण का इरादा कोई अलहमदुल्ला असं खुद सदका खैरात देवन वाले हाँ ठीक है। तो काम बस ना काफ़ी सारिया परेशानियां ने ठीक है इस करके जो रोकना पै रहा। और पहले तुम वेख्या बड़ी मुश्किल न पहले भी इस तरह की कुछ परेशानियां है जिस वजह तू घर नहीं बना रहे थे ठीक है। तो फिर हट के साढ़े समझ लो कि तुम दस रात को इन्हें होल से हाले भी एक कमरा प्लस्तर करने वाला रह गया सी। और अगर वक्त को दे अच्छा आया तो इंशाल्लाह फिर जेड़ा ना बाकी का काम मुकम्मल करांगे। बाकी बहुत शुक्रिया सारे भैन भाइयों की मुहब्बत का काफ़ी सारे भैन भाई सानू अच्छी तरीके जानते हैं सानू वेखते और काफ़ी सारे भैन भाइयों की ना छोटी छोटी रिक्वेस्ट है कि नवाज भाई कमरे प्लस्तर करवा लो कमरे प्लस्तर छोड़ के कमरे वी आई पी बना लेने ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगे चाया तो बेगम साहब का किचन ही बनेगा डबल स्टोरी उपर उपर भी घर बनावे इंशाल्लाह। लेकिन कुछ परेशानियां है लेकिन अच्छी तरीके दस नहीं सकते लेकिन इंशाल्लाह कदे मौका मिलिया तो इंशाल्लाह घर नू कंप्लीट जिहड़ा ना जरूर करांगे। साडा भी दिल करदा है कि साडा घर वी आई पी मुकम्मल हो जाए लेकिन अज कम जिहड़ा हैगा ना क्लोज़ कराना है सारियां सफाई वगैरह करा देनी आ और बाकी जिहड़ी टैलां वगैरह टोटे वगैरह बच्चे सी अंदर रखाने ने और अज वाशरूम वाला जो मिस्त्री भाई है ना वो भी आया हुआ टूटियां वगैरह शावर वगैरह जिन्हें करेंगे से ना वो सारे टायर टूट करा के ना बिल्कुल एंड करानी है। एक कमरा असी जो ना हाले तक सैट कराया सी प्लस्तर वगैरह ओके हो गया सब कुछ ओके हो गया दूसरा कमरा हाले साडा रह गया हाले यह हाल पे हुआ कमरे का और इन्दे ए होल वगैरह है इस तरीके जिमें तुम नज़र आ रहे हैं देखो ना चीर जे विचों सामने बल्ब बलते हुए तुम नज़र आ रहे होवे सारा घर इस तरह ही है साडा ठीक आ चीर नज़र बल्ब बलदे बैकग्राउंड साढ़े नज़र आते ठीक आ। तो अगर इस तरह का ही घर होंगे ना सर्दियों के बच्चे पता नहीं मेरे बच्चों का साडा जोड़ा ना की बनया लेकिन अलहमदुल्ला पाक का लखा तो करोड़ा छोड़ के अरबा बारे शुक्र जिन्ना अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करा ना काम आ ठीक आ। लेकिन मजबूरी कदे कदे आ जाती होंगी आ जिंदगी ठीक आ। तो नहीं तो यह कमरा भी प्लस्तर हो जाना सी भी ओके करा लेना सी जबरदस्त और शुक्र है कि एक कमरा साडा सैट हो गया दो बल्कि परला वो तो बैठक है ठीक है मेहमान वगैरह मसल उ ज़्यादातर रखी आसी सोफा सैट वगैरह ठीक है चाय वगैरह पिवाने वास्ते लेकिन हूँ उन्होंने भी बैडरूम बनाना पैना और सेंटर वाले बैडरूम साढ़े को दो कदम मेहमान वगैरह आ गया ना तो साढ़े को घर काम देगा। बाकी हूँ ये जे बल्ब वगैरह बल्दे नज़र आ रहे ना हाले तक इंज ही रहनगे सुबह का घर के काम ही काम हो रहा मैं हूँ तक बजे हुआ शहर कदे घर कदे शहर कदे घर कदे शहर रोटी पानी खा के वेले होया हूँ जाके और मिस्त्री जिहड़ा वाशरूम का काम है उसका वो कंप्लीट हो गया शुक्र अलहमदुल्ला एक तो काम तो जान छुट्टी और बाकी ए आला घर का जिहड़ा ना फैसला किया बेगम साहबा भी कह रही है और मिस्त्री भाई भी कह रहा है कि पौड़ी वाली साइड तू खाली जगह है अगर इनकी छत वगैरह नहीं पाएगी और काफ़ी सारे रात में कमेंट भी है तो इनकी अगर छत वगैरह नहीं पावे ना तो बारिश सारी जी घर आएगी। बाकी इस साइड वाला जो बेसन वगैरह है लगे हुआ वो इधरों खोल के उधर वाले वाशरूम के ला दिता और इस जगह पर लाना है जी जो पुराना साडा पिया हुआ ना सब तो पहले आला ए आला इनकी भी सफाई वगैरह करके इतने लाने बेगम साहबा का किचन तो हूँ नहीं बन सकता लेकिन बेगम साहबा का जोड़ा ये आला किचन है ना यू कंप्लीट करके मैं देवगा इनू बंद करके इन दरवाज़ा ला के और बाकी कोई डेकोरेशन वगैरह यह आला जोड़ा है ना इनू लिपाई वगैरह करके असं इनकी क्लीयर करा और इन्होंने कि ज़्यादा शोर पाया होया अब्दुल हादी साहब सो गया बच्चे हाले तक नहीं आए ने तकरीबन अज लेट हो काफ़ी टाइम हो गया मेरे ख्याल तीन बजे ढाई बजे आ जाते हाँ क्योंकि
ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਨੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਮਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲ ਦਿੰਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੋਟੀ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਈ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਤਿੰਨ ਮਿਸਤਰੀ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸੱਤਵਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਣ, ਬੇਗਮ ਸਨ ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਬਰਤਨ ਅੰਦਰ ਪਏ ਵਾ ਨੇ, ਚੱਕ ਲਾ ਉੱਥੋਂ, ਬਰਤਨ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਸੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਨ, ਇੱਧਰਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਿਸਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਰੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿੱਟ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਚਲੇ ਜਾਵਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਣ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਬੇਸਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਟੂਟੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾਲ, ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਇੰਚੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਐਲਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਥੱਲੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਠਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦੇਖੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਖੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਔਰ ਪਾਲਕ ਵਗੈਰਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਪੱਕ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਬਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਟੱਪਦਾ ਨੱਚਦਾ, ਵੇ ਸਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ।
सब्जियां दा बड़ी शिद्दत ना इंतजार है। और ए वाली फुटी हुई है जी मेथी, और पता नहीं ये कदों वड्डियां होवणगियां, ये तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद लग पई है कि जेड़ा है ना फुट जावणगियां। पहले तो क्यों कहिंदे विच ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, ए छोटे छोटे तुसीं देख रहे होगे, ए बूटे ना विचू कट्टे पए ने सारे, ये सारे आ देखो, कुछ सही है कुछ सारे ना उपरों ना कट्टे पए ने, आ देखो काफ़ी सारे बूटे, ए थले टुट के डिगे भी पे ने ए। और ये आला जेड़ा काम हैगा ना ये है जी चिड़िया का, चिड़िया छोटे छोटे परिंदे जेड़े है ना वो खाते ने, मसलन उतों उतों गोल गोल टुक लेंगे ने, छोटे छोटे जेड़े पौधे होए हुए हैं ना वो अद्धे अद्धे खाई जा रहे हैं, अद्धे बच कोशिश करना कर बचाव की, लेकिन ना फिर भी किसी ना किसी पर दाल आ जाते हैं। बिल्कुल शाम हो चुकी है, साइड से रोशनी आ क्योंकि लाइटा वगैरह लगे हुई ने, लेकिन उस साइड से सारा का सारा अंधेरा क्योंकि हाले तक ना बिजली की वायरिंग उस साइड से ना हुई कोई नहीं, और कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा अज गर्द होया पाया। और अज ना थोड़ी बहुत ही छोड़ के मुकम्मल तौर पर ना ए वाली जी जगह तो नज़र आ रही है ना, कुछ टाइम ठहर के सारी दी सारी जी है ना सफाई कर देनी है, मंजे बिस्तरे भी इतों हटा देने ने, कमरे में रख देने ने, और जिन्ना समान इतने नज़र आ रहा है टोटल गैप कर देना है रातों रात, इंशाल्लाह सुबह तक बिल्कुल इतने नीट क्लीन घर जरा नज़र आएगा इंशाल्लाह। और मैं सारे कमेंट देखे ने पढ़े ने, तकरीबन 400-500 कमेंट है सी, सारे ने यही कहा कि नवाज भाई तुम घर जड़ा है ना बना लो बना लो बना लो, ठीक आ घर असी बनावे जरूर, लेकिन कुछ दिन ठहर के, ठीक आ साल ठहर के दो साल जो सुबह के टाइम तुम दस्या अच्छा वक्त आएगा घर जरूर बनावे, लेकिन हुण एक काम करांगे कि जिहड़ा समान आया पिया ना चलो असीं इह वापस नहीं करदे, इह आला सारा समान समझ लो कि इट्टां वी तकरीबन 4-5 हज़ार इट बार पई हुई आ परली साइड ते वी ओरली साइड ते पई हुई आ, इन्नियां सारियां इट्टां किसे पासे मसल ना रखण दी जगह वी कोई नहीं, अगर बूहे दे अगे रखांगे ते लंघन टप्पण दा रस्ता जिहड़ा हैगा ना बंद हो जाएगा। और मैं हुण इहो सोचिया कि जिहड़ियां इट्टां वगैरह सारियां पईयां ना टोटल सारियां इस्तेमाल कर लैंदे आ, छत वगैरह उचली पै जाएगी ना टोटल इट्टां खत्म हो जाणगियां, नवां ते कोई समान असीं ना नहीं हुण होर लै के आवांगे, जिहड़ा समान पिया ना उहनूं जिहड़ा हैगा ना खत्म करना। और मैं इस टाइम इधर देखण आना जी ए आला दरवाज़ा पट्ठा सीधा जिहड़ा ना आया पिया, बस ठीक है इनू जिहड़ा ना पक्का पक्का लवाने, हालांकि दरवाज़ा भी देईदा है उस तो हट के ए वाला जिहड़ा परदा भी नाल लाईदा है, ते कुत्ते जिहड़े हैगे ना बिल्लियां वगैरह रात नूं इधरों फिर आ जांदियां ने, बाकी बहुत सारे पिंड भाइयों नूं ए चीज़ गंदी नज़र आ रही होवे क्योंकि ना अज इत्थे कचरा मचरा कीता पुराना बेसन भी धोया सी नवां लाया है, और इनकी जिहड़ी है ना सफाई इंशाल्लाह सुबह जिहड़ा हो जाए क्योंकि बेगम साहब हुण ना कपड़े वगैरह हाले तक उधर जिहड़ा है मेरे ख्याल धो रही आ, सफाई वगैरह हुण सुबह करेगी। मछलियां जिन्नियां कु लैके आंदियां सी ना काफ़ी दिन बाद अज तुहानूं मछलियां विखा रहे, आस्ता आस्ता सारियां कुछ बिल्ली लै गई और कुछ विचों अपने आप ही जड़ मर गईयां, ठीक है उन्हां विचों मछलियां सिर्फ दो है फिरदियां ने और एक बैठी है, तीन मछलियां सिर्फ रह गईयां ने। जिस दिन मैं साहिवाल गया ना तो 4-5 मछलियां तो जिहड़ियां ना मैं होर उन्हें लैके आवांगा, और ये जिंदा सलामत ने बिल्कुल ठीक ने, ओ भई अब्दुल आदि ईमान फातिमा चिक्या हुआ और कह रहे डरदा पे, हाँ वे गिद्दड़ बेगम साहब कपड़े वगैरह मेरे ख्याल काफ़ी टाइम दे तो रहे ने, मैं तक बेच जेड़ा ना मशीन ते पे हुए ने, और इधर बांध दिए जी चाय वगैरह, और मैं हैगा सी हुण तक जी उपर छत देखिया कि मिस्त्री पई और किन्ना वगैरह काम करके गए ने, क्योंकि मैं देखे ही नहीं काम उपर जाके अज किन्ना होया की होया की नहीं होया कोई पता नहीं है, हुण जाके देखिया तो उपर वाले कंप्लीट वगैरह कर गए ने और मिस्त्री पई और चले गए ने, और बेगम साहबां काम देखो रह जा थले भरा जा, बेगम साहबां नाश्ता पानी शाम का यानी चाय तैयार हो रही है, पता नहीं तुहानू भी चल के जिहड़ा है दिखा दिंदे आ दोबारा, ए वाली गोह वगैरह होई पई है, ए सामने जिहड़ा नज़र आ रहा है ये हैगा दरवाज़ा जी इन्हां सीढ़ियां दा, और ए वाला दरवाज़ा जिहड़ा है ना स्टोर दा है अलग, उपर वाली साइड ते रोशनी है कोई नहीं, सुबह दे टाइम तुहानू दिखावांगा की हिसाब किताब जिहड़ा है ना बणिया, बाकी इहनू हुण शुरू कीता है ते इंशाल्लाह इहदी हुण छत वगैरह ते जिहड़ी है ना पावांगे, बाकी पलस्तर जिहड़ा हैगा ना नहीं होवेगा, उपर जिहड़ा है ना मंजा सारा कुछ जिहड़ा है ना उपर ही पिया होया,
और पता नहीं मैनू क्यों इंज लग रहा बार बार जिमें ना दिमाग दे विच दिल दे विच ना पछतावा हो रहा है कि जिमें पछता रहा वा कि शहर वाली जमीन ना नहीं सेल करनी सी ए आला घर नहीं बनाना सी ये जेडे पैसे इत्थे लाए ना जमीन ते उत्थे हैगी सी ठीक आ चुप करके ना आराम सुकून नाल पैसे जमा करदा दो चार महीने होर ठीक है पैसे जमा करदा और आराम सुकून नाल शहर दे विच घर बना लैंदा उत्थे जेड़ा ना चला जांदा बहुत ही निहायत जबरदस्त कम रहना सी लेकिन हुण ना की कहंदे ने ना आर दे रहे ने पार दे हुण अध विचकार टंगे पिया भाई साहब ठीक है लेकिन चलो हुण अल्लाह खैर करेगा जो होवेगी अल्लाह पाक ते डोरा सटने आ जो होवेगी वेखी जावेगी जिहड़ी भी होवेगी अल्लाह पाक नूं जो मंजूर होवेगी लेकिन ना अगर जमीन शहर वाली सेल ना कर दे हुण भी इंशाल्लाह जमीन पैसे वगैरह जमा कर दे इंशाल्लाह शहर दे विच जमीन वगैरह कोशिश करने आ कि पहले ही पंज मरले लै सी और हुण भी देख लैके पंज इक मरले ना लैने आ ठीक आ और उधर जिहड़ा हैगा ना घर बनावांगे इंशाल्लाह माशाल्लाह चांद निकलिया होया जी काफ़ी सारे भैन भाइयों ने उदो मैंने रोकया भी सी कि नवाज भाई इतने पिंड घर ना बनाओ शहर सिटी के अंदर जाके घर बनाओ तुसी मैं ये सोच के इतने घर बनाया सी कि मैं चाहे लाहौर चला जावा अमेरिका चला जावा जिस मर्जी मुल्क चला जावा ठीक आ इन्हां लोकां ने जो साढ़े पिछे लगे हुए ना इन्होंने किधरे भी साडा पिछा नहीं छड़ना चाहे मैं लाहौर चला जावा इस्लामाबाद चला जावा यह नहीं कि मेरा पिछा छड़ देवणगे इन्हां ने कोई नहीं पिछा छड़ना और मैंने पता है कबर तक के मेरा जिहड़ा है ना पिछा करनगे और मैं भी तैयार है कोई टेंशन नहीं है अलहमदुल्ला इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ना ना चाहिया तो कोई कुछ भी नहीं कोई कर सकता जिन्ना मर्जी जल लवन सड़ लवन जिन्ना मर्जी कोई हसद कर लवे ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक ते पूरा यकीन आ कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि पिछले दो तीन साल तो लगे हुए ने हुण तक कुछ भी नहीं कर सके अल्लाह पाक ने थाम के रखे होया तो इंशाल्लाह अगे भी अल्लाह पाक का ही असर हैगा और अल्लाह पाक ते यकीन है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता इंशाल्लाह बाकी जी व्लाग भी खत्म करते हैं एक तो डेंजरस दियां पौड़ियां ने लेंदिया लेंदे ही बड़ा डर लगता है व्लाग भी खत्म करते हैं और इंशाल्लाह जी घर तो असी बनावांगे लेकिन हुण कुछ वक्त अच्छा नहीं है घर बनावण दा ठीक आ तो जल्दबाजी जी ना अच्छी नहीं आ और हालात में देख के जड़ा है ना चलना चाहिए ठीक है काफ़ी सारे मैं कहते थे नवाज बई तुसी बेवकूफ हो तुसी एंजो एंजो मैं ज़रा भी बेवकूफ कोई नहीं आ ठीक आ मैं हालात में देख के चलना कि किस टाइम की करना है की नहीं करना उस हिसाब ना मैं चलना ठीक आ और काफ़ी सारा समझ लो कि ना नुकसान जड़ा ना होवे हा जेकर मैं छत वगैरह ना पाँगा तो हूँ इंशाल्लाह छत वगैरह पा लें ता कि पौड़ियाँ वाली साइड तो घर के बारिश वगैरह आएगी ना इनका पानी भी नहीं आएगा और बाकी चार पाँच हज़ार समझ लो कि बाहर इट पई हुई आ उनकी रखन की भी जगह वगैरह को नहीं हैगी भी इधर ना उत्ते छत आले काफ़ी सारी उत्त चुनाई वगैरह होनी है ना तो वह भी जी है ना इस्तेमाल हो जाएगी ठीक है तो बाकी इंशाल्लाह जी घर तो यह भी मुकम्मल असी करना ही करना इंशाल्लाह आज नहीं तो कल असी मुकम्मल तो करना ही करना है लेकिन हुण कुछ हालात ठीक नहीं ने तो इस करके एक बार छत वगैरह पा के एक बार ना थोड़ा जिहा काम रोकने कोई मसलन गेम ठंडी पवेगी तो फिर इंशाल्लाह बाकी का काम करवा लाँगे चाय वगैरह साड़ी पक के रेडी हो गई और ए है जी अंडे लैबा लैके जा रही है बोल हो और माशाल्लाह जी अज आया पे भाई साहब साग साढ़े गवांडियां इस साइड के जो गवांडी है ना उधर दुध वगैरह भी लईदा है तो उधरों ही जोड़ा है ना जी साग आया अज स्पेशल काफ़ी अच्छा लग रहा देखने और यह है जी सर्दियों की पहली सौगात माशाल्लाह पिंडा थावां दी और नाल ते मक्खन हुंदा ना तो क्या ही वाह सी हाले तक साढ़े इलाके भी साग वगैरह नहीं होया लेकिन यह ना शहर के मसल लैके आए होने ने और शौकी है जो ना पकाया मेरा भी दिल कर रहा लेकिन इतों मिले कोई नहीं और शहर सिटी जरा जा नहीं होया इस करके नहीं सा भी दिल है कि साग वगैरह पकाते लेकिन शहर का जो हों फार्मी अगेतरा गड्ढा हों मज़ा नहीं होंगे जो हूँ सीजन आ रहा ना मसल हूँ उन्होंने की कहें मौसम का मौसमदार जी चीज़ होंगी ना उनका खाने का अलग ही मज़ा है।